बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड फंड की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज डीएम का एक पेपर हल करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये 2016 में ये पेपर आउट हो चुका था और जिसके बाद ये पेपर कैंसिल हो चुका था, तो इसी पेपर के को हल कर लेते हैं दोस्तों और पूरे पेपर को एक ही वीडियो में हल कर लेते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पेपर का, इसमें क्वेश्चन नंबर वगैरह नहीं लिखे गए हैं। पहला पार्ट इंग्लिश का पार्ट है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है दोस्तों, तो ये पैराग्राफ जो दिया गया है इसको रीड करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रीड करके बाकी आप खुद रीड करें। और पैराग्राफ कुछ इस तरह से है कि व्हेन वी ईट डर्टी फूड, जब हम गंदी गजा खाते हैं तो जरासीम हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हम उसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं। तो ये तमाम पैराग्राफ जो है ये जरासीम्स के बारे में है कि जरासीम कैसे हमारे जिस्म तक पहुंचते हैं और इससे कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो अब बराए मेहरबानी इस पैसेज को केयरफुल रीड कर लें और नीचे अंश क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको पढ़ लें। क्योंकि पेपर ऑलरेडी ये आउट हो चुका था तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑलरेडी कलर किए हुए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि डिजीजेस कॉज्ड बाय जर्म्स आर, इन जरासीम की वजह से जो बीमारियां में लगती हैं दे आर टाइफाइड एंड कॉलेरा, और ये कुछ पैसेज में लिखा गया है। ये चीजें पैसेज में, ये पैराग्राफ जो है उसमें ऑलरेडी लिखे गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर जर्म्स, जरासीम के ब्रीडिंग प्लेसेस डस्ट हैं, स्टैंडिंग वाटर, डर्टी एंड रॉटन, रटे सड़े हुई चीजें, यानी पुरानी चीजें जो चीजें बासी हो जाते हैं। और आगे मलेरिया इज कैरीड बाय, ये मॉस्किटोस के जरिए। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मॉस्किटो ले दियर एग्स इन, कहां पर अंडे डालते हैं, स्टैंडिंग वाटर में, जहां पानी कड़ा होता है। और आगे जो क्वेश्चन है 7 to 12, 7 से 12 क्वेश्चन वो इस पैराग्राफ से है और ये पैराग्राफ ओलंपिक गेम्स के बारे में है। द ओलंपिक गेम्स हैव एन लॉन्ग हिस्ट्री, यहां पर ये गलत लिखा गया है, कहते हैं इसकी करेक्शन करनी है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन दे फर्स्ट टुक प्लेस एट ओलंपिक इन एंशियंट ग्रीस। तो चलते हैं डायरेक्ट, आप इसको पढ़ लें, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों, देखें ये वाला, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन दे फर्स्ट हैड टेकन प्लेस एट ओलंपिया ऑन एंशियंट ग्रीस, आन की जगह इन आना चाहिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन है ये वाला रीड करें, एवरी 4 years फॉर 1000 years द ग्रीक हेल्ड दीज गेम्स इन हॉनर ऑफ द गॉड ज्यूस, तो मोर देन लगेगा, एवरी 4 years फॉर मोर देन 1000 years। और फिर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, दिन इन 394 AD द गेम्स वर अबॉलिश्ड, अबॉलिश्ड खत्म किए गए, बाय एम्पायर थियोडोसियस वन ऑफ रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज में जो है, द ओलंपिक गेम्स
वर री एस्टेब्लिश मैनी सेंचुरीज लेटर 1896 में उसको दोबारा री एस्टेब्लिश किए गए। और आगे जो क्वेश्चन है उस पर एवरी फोर ईयर सिंस दिन उसके बाद एक्सेप्ट मासेवाए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड उस दौरान ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ गार्बेज इज लिटर। गार्बेज ढेर को कहते हैं ये देखे। और आगे फिर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आर दे हार्ड वर्किंग यहां पर ओ आर आएगा और लेजी वो सख्त मेहनत करने वाले या लेजी हैं। तो ऑप्शंस देखिए आर लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट पीपल सेड एज द हॉर्सेस एडवांस इनटू द रिंग दे विल नॉट अलाउ देम टू फाइट इन एन एग्जाम इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंस जो दिया गया है इसके के बारे में कहते हैं कि ये क्या है तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओपिनियन ऑफ रूस्टर रूस्टर का मुअन्नस हेन है। और देखिए द बॉय लाफ्ड अंडरलाइन वर्ड इज ये अंडरलाइन वर्ड क्या है इन ट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट फिर 18 से 20 तक क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश इस पैराग्राफ के हैं। द फ्रूट शॉप्स आर डेकोरेटेड विद कलर फिक्चर्स एंड लुकिंग मिरर्स इस पैराग्राफ को भी पढ़ लो। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज पेसियो सेंटेंस है। पहला पैराग्राफ पहला सेंटेंस जो है द फ्रूट शॉप आर डेकोरेटेड विद कलर्ड पिक्चर्स एंड लुकिंग मिरर्स पेशियो में है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंस इज सेकंड सेंटेंस है द फ्रूट बास्केट ये सब्जेक्ट है इसका फ्रूट बास्केट ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं अब आगे जो है ना ड्राइंग पार्ट है डीएम का क्वेश्चन है ड्राइंग पार्ट फाइन आर्ट्स आर ड्राइंग द 90 डिग्री एंगल शोन ऑन अ कंपास इज कॉल्ड ये 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहते हैं। और आगे फिर क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिक टूल यूज टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड सेट स्क्वायर। और आगे जो क्वेश्चन है उसे क्या उसको द गिवन पिक्चर शोज अ बेसिक ज्योमेट्रिक शेप कॉल्ड ये क्या सर्कल है। और फिर क्वेश्चन देखिए द पिक्चर शोज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ये पिक्चर दिया गया है ये क्या है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। और नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है देखे विच प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन इज बेस्ट शोन इन द बिलो पिक्चर हार्मनी पिक्चर को देखे। और फिर आगे क्वेश्चन है देखे कलर्स डेट आर अपोजिट टू ईच अदर आर द कलर व्हील आर नोन एज कंप्लीमेंटरी। और नेक्स्ट जो है कंट्रास्ट मीन कंट्रास्ट मीन्स इसके मानी क्या है इसके मानी डिससिमिलैरिटी कंट्रास्ट के मानी डिससिमिलैरिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए द टेक्निक ऑफ शेडिंग शोन बिलो इज नोन एज क्रॉस हैचिंग क्रॉस हैचिंग। और आगे जो क्वेश्चन वन ऑफ द पॉपुलर टेक्निक फॉर डूइंग ग्रेफिटी इज स्टेंसिल एंड स्प्रे। और आगे क्वेश्चन देखिए
द बेस्ट वे टू प्रिजर्व एंड आर्ट वर्क इज टू एंड इज टू फ्रेम एंड डिस्प्ले। और आगे क्वेश्चन, द वर्टेक्स इज द टॉप। और आई थिंक आखिरी क्वेश्चन इसका है, टू फॉर्म अदर कलर्स लाइक ब्राउन पीच पर्पल कलर्स नीडेड आर रेड ब्लू एंड ऑरेंज। अच्छा, इसके बाद देखिए अब मजीद क्वेश्चन भी है अभी इसमें। Which of the following is not an example of types of line, primary and secondary? और आगे जो क्वेश्चन है देखे, द की टू गुड ड्राइविंग इज ऑब्जर्विंग। एंड नेक्स्ट, द ऑट एलिमेंट दैट रिफर्स टू सेंस ऑफ टच इज टेक्सचर। और आगे क्वेश्चन देखे, ह्यू इंटेंसिटी एंड वैल्यू आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कलर। आगे देखे, एन आर्ट क्रिटिक इज अ पर्सन हु स्पेशलाइज्ड इन एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड एवोल्यूटिंग आर्ट। और आगे जो क्वेश्चन है देखे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट विच अकर एनी टाइम एन एलिमेंट ऑफ अ पीस इज गिवन डोमिनेंस बाय द आर्टिस्ट एम्फेसिस। और ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ अ सरफेस ऑफन करिस्पॉन्डिंग टू इट्स टेक्टाइल कैरेक्टर आर व्हाट मे बी सेंस्ड बाय टच। ये भी टेक्सचर है। और आगे क्वेश्चन देखिए, द कंपोजिशन, कंपोजिशन लगेगा, द कंपोजिशन ऑफ द इमेज इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन प्रोड्यूसिंग एन इंटरेस्टिंग वर्क ऑफ आर्टिस्टिक मीडिया। आगे क्वेश्चन देखिए, द आर्टिस्ट ऑफ अर्ली टाइम्स सर्च फॉर सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट देखिए, विच डिकेड शोड द डिक्लाइन ऑफ कैलीग्राफी इन पाकिस्तान, 90s। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट क्रिटिसिज्म हैज मेनी एंड ऑफन न्यूमरस सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट्स विच आर नियरली एज वेरिड एज देयर आर पीपल प्रैक्टिसिंग इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज लगेगा खाली जगह में। आगे क्वेश्चन को खुद पढ़ लो। एंड आखिरी देखे, ऑयल पेंट हैज अ हायर पिगमेंट लोड देन वाटर पेंट। इसके बाद जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, देखे, लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन बैक्टीरिया विच सिंथेसिस विटामिन के। और नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ जाइलम इज इम्प्लांट इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड साल्ट टू लीव्स फ्रॉम रूट्स रूट्स। और आगे देखिए, एंड्रोशियम इज नोन एज स्टैमिन। एंड आगे देखिए, इन मैरीन फूड चेंज पाइटोप्लांक्टन कैन बी द प्रोड्यूसर। और आगे देखे, ए पर्सन स्पाइनल कार्ड इज डैमेज ही विल नॉट बी एबल टू मूव। मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16। मटेरियल वी डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एंड आगे देखिए दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 फारेनहाइट। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन।
नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर? सोडियम क्लोराइड. अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर? रेड, ग्रीन एंड ब्लू. एंड आगे, एलिमेंट्स आर कंपाउंड कंबाइनिंग इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज न्यूट्रल. न्यूट्रल पीएच ऑफ वाटर इज 7. और आगे देखिए, व्हाट इज राइट ऑर्डर ऑफ प्लेनेट नियरेस्ट टू फॉरटेस्ट? मर्करी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. अब ये मैथमेटिक्स के हैं. पूरा क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन अधूरा है इसलिए उसको स्किप किया. द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ, अब एनी ट्राइंगल वो 180 होता है. ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करें तो 180 बनेगा. और क्वेश्चन नंबर दिस देखे, द डायमीटर ऑफ बाइसाइकल व्हील इज 35 cm. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मार्च ऑन डस्ट इट व्हील इफ व्हील कम्प्लेक्स 1 रोटेशन? तो यहां पर हमने सरकम्फेयरेंस मालूम करना है. क्या फाइंड करना है? सरकम्फेयरेंस. सरकम्फेयरेंस का फॉर्मूला है सर्कल का 2πr. पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है. और r रेडियस. रेडियस को हम कैसे फाइंड करते हैं? रेडियस को डायमीटर को 2 पर डिवाइड करें. तो आप देखिए क्या बने, कैसे बनेगा ये 2 ज़र्बे. ज़र्बे 22/7 और फिर ज़र्बे 35/2. ज़र्बे 35/2. अब इसी को सॉल्व करें. इसको सॉल्व करने से कैसे बनेगा देखिए दोस्तों, ये 2 क्रॉस हो जाएगा. यहां 22 के साथ 11 और ये 7 जो है क्रॉस हो जाएगा 35 के साथ 5. ठीक है, आप देखिए 11 और 5 ज़रब करेगा तो 55 हो जाएगा. 55 को 2 से ज़रब दे दो तो 110 आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज 110. आगे देखिए, एवरेज ऑफ 4 वैल्यूज इज 30. द सम ऑफ, इसको आपने ज़रब देना है. 30 और 4 को ज़रब दे दे तो 120 बनेगा. और ये किसी के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो. ये क्लास है 1, 2, 3, 4, 5 क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है. कहते हैं कि थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो थर्ड क्लास की 50 है. ये देखिए, और ये क्वेश्चन जरा देखें. अ स्टूडेंट नीड्स आर एस इतना, 1/3/8 लंच के लिए. तो हाउ मेनी स्टूडेंट कैन टेक लंच, इतने पैसों पर कितने स्टूडेंट लंच कर सकते हैं? तो क्या है कि दूसरे दूसरा डिवाइडेड बाय फर्स्ट. तो ये 13/4 तो 13/4 52 और 55/4 आएगा. ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करें तो 55/4 आ जाएगा. 55/4 और दूसरे को डिवाइड करना है हमने तकसीमें. तकसीम 8 × 8 और 3 11/8 आएगा. 11/8 आएगा. अब इस 8 को क्या करना है, तकसीम को हमने ज़रब में कन्वर्ट करना है. तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि इसको उलट लेंगे तो ये हो जाएगा 55/4 और ये 8/11 आ जाएगा. ये 8/11 बन जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 8/11 और ये ज़रब हो जाएगा. तो ये 11 क्रॉस हो जाएगा 11/5 के साथ, 11/55 और ये क्रॉस हो जाएगा 8/2 के साथ. तो ये फाइंड होने 10 आएगा इसका आंसर. इसका आंसर 10 आएगा. तो ये तीसरा ऑप्शन जो है ना, इसका आखिरी दूसरे पेज पर है. अब इसके बाद 2-4 क्वेश्चन पेडागॉजी के हैं. देखिए, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन द मैसेज नीड्स टू बी क्विक.
In effective communication, the message needs to be quick. And next, the goal of micro teaching is to develop among the trainee teachers specific teaching skill. And आगे देखिए, the principle of lesson planning that enhances students' interest in learning variety. और आगे देखिए, the self disclosure of the counselor to a reasonable extent ensures trust among the counselees. And next, the metacognitive skill to make final judgment is evolution. And next, take it. Which one of the following is related to affective domain of Bloom's taxonomy? Feelings about English as a subject. आगे देखें, motivation is the consequence of reinforcement is true according to behavior learning theory. तो पेपर इसके साथ कंप्लीट हो गया दोस्तों. जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.